नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस दिलवाले मूवी के केवल ऑडियंस रिव्यू और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोर्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस दिलवाले मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोर्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। और इस दिलवाले मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं, उसको देखने के बाद मैं आपको इस दिलवाले मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों के डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोर्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोर्स, रेत को हाथ से फिसलने न देंगे कि रेत को हाथ से फिसलने न देंगे, धूप में पांव जलने न देंगे, हम उत्कर्ष वाले हैं भाई, ख्वाब पूरे किए चांद को भी सोने न देंगे, ख्वाब पूरे किए बिना चांद को भी नहीं सोने देंगे। दूसरा मोटिवेशनल कोर्स, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थके हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। शाहरुख खान की साल 2022 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित सेठी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015, आई हैव द DVD ऑफ दिस, गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट, डज नॉट मी ऑफ दिस, विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस, फैंस बिफोर विथ सुपर हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी, आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एन अनकंडीशनल दिस इज माई फेवरेट मूवी, आई लव दिस मूवी, इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल, वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग, ऑल्सो शाहरुख खान, इट वॉज रियली ए वेरी नाइस मूवी, आई जस्ट लव इट, इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट, द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजिंग, कीप इट अप। दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली
लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस इट इज़ वेरी एवरेज काइंड ऑफ मूवी डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो एवरेज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटीफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन आई फील डिसमोंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी गुड मूवी ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति आल्सो दिस मूवी हैज गुड सॉन्ग्स गुड एक्ट्रेसेज and good storyline also it could be better if he in the ending if the Shahrukh Khan and Kajal did for these brother and sister I am just ignoring this movie for while when over pop up comments about this movie on Netflix finally watchable this movie today some of screen and scenes was really disappointing reanually flashback scenes between but Kajal and Shahrukh Khan I like the scenes between Varun and Kirti Varun did his best with his cute expression there was a scene Varun got to know about Shahrukh Khan that he's not his own brother they hug each other the scenes made up this good movie was good one time watch a few year ago not this movie on board Tata Sky Pad is the very good I love this movie I love this four bags actress I like the idea of this film I want to say this songs and bravo and Dilwale is nice movie Rohit Shetty and team की मूवी रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट Fantastic and good recommended this think of this movie was great but some comedy parts just drag into the for no reason Shahrukh delivery a very suspenseful performance and Kajal outdid himself of one of the best of Rohit Shetty I love this perfection dedication towards all content whatever is about action comedy and most important about stunts and stuntmen they gave their best and blood to make this movie successful I can give it 100 stars of this movie I love it so much and have watchable it more than 12 times at the times of writing this I am watching this movie only all my favorite stars are together what can be more great than it I love it so much Shahrukh and Kajal run time after my name is Khan and Varun and Kirti are cool too epic cool and romance the foursome in this best I love this movie and good hope these will good family movie there is no crazy storyline is flow it is cute comedic just a light film अमेजन मूवी द स्टोरी इज अवेसम दिस इज द इंटरेस्टिंग बिकॉज कीर्ति इज विजित वरुण एलिया सिक्स द अनोदर ग्रेटिंग एज यूजफुल ऑफ दिस गुड मेगा चक्रवर्ती एंड काजुल ऑफ गुड लोकिंग ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग सॉरी ऑफ दिस गुड एब्सोल्युटली आई लाइक दिस फिल्म एंड गुड रियली एंड अमेजन मूवी इट वॉज ग्रेट आई कुड नॉट स्टॉप लंथिंग एंड क्राई ऑफ दिस सिंपल ओनली वी कैन थिंक अबाउट इपिक स्क्रिप्ट टोटली लव this op I just love this movie and the titanic of making every scenes perfect op this good acting the movie op this good think about very purely education and good excellent brilliant is movie my favorite today brilliant work by this and good I love this movie because Varun and Shahrukh and Kirti the story is amazing there is love story but with different twist I am sure you guys will love this movie it is nice movie Shahrukh Kajal acting is best as always 4/5 but Varun Dhawan is totally over actor like Salman Khan will nice movie Shahrukh Khan was awesome very nice movie and so proud of Mr. Rohit Shetty and team I am blessed for you are making four hit movie and so then Shahrukh Khan average movie poster good cast delightful songs AI catching action songs of good think about one of the favorite movie very close to my heart with such a
मेलोडियस म्यूजिक, लव इट ए मस्ट वॉच मूवी, स्टोरी इज अमेजन, शाहरुख एंड काजल आर बैक गेट टूगेदर, होप दिस जस्ट होप दिस फिल्म इज रोमांटिक एंड गुड थिंक अबाउट दिस होप एग्रेसिव टोटली लव दिस मूवी एंड शाहरुख काजल वरुण कीर्ति वॉच कास्ट अमेजन स्टोरी लवली एंडिंग वुड 100% रिकमांडेड टू वॉच इट फॉर रिग्रेट द करेक्ट ओप दिस प्ले ओप दिस आई हैव एवरी सीन मच ओप दिस फनिंग एंड गुड everything because of always make good cinema of this I have every seen this film is good the comedy was enjoyable and Shahrukh of this totally in this movie this Varun Kirti of I watchable in twist and got same emotional as when you did first time Shahrukh is legend and Kajal I love it excellent movie everyone should watch it Shahrukh Kajal rocks nothing to say much if you have not this movie is awesome hats off to the director Director, helper and actress have been working hard over this production of this film. Dilwale movie very heart touching action is best. Shahrukh Khan king of heart. All song is very good. It is very interesting and always some movie of this good. Very good. Kirti and Kajal ma'am is looking too good. I like so much. Must watch super hit movie of this very character was this film and Shahrukh Khan together. This is the best movie and Dilwale Dulhaniya Le Jayenge of this very. And I love soundtrack and everything I listen to this soundtrack or that song that through an anti movie I keeping up this true of entry day haha it is very good movie Kajal comeback fantastic Varun and Kirti is very good Shahrukh Khan is outstanding I think this movie is best I am biggest fan of Shahrukh Khan I like all movie of king so I am very interesting in this movie Dilwale good of this I love this very love story must watch this movie amazing acting the chemistry of Shahrukh and Kajal was beautiful very nice and funny movie my favorite movie it is my favorite of this good Kirti ma'am Kajal or Varun Dhawan want to part second of Dilwale please of this good very good movie this is super and addition very must for moment साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो Google यूज़र्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित सेठी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015 आई हैव द DVD ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट डज नॉट मी ऑफ दिस विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस फैंस बिफोर विथ सुपर हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एन अनकंडीशनल दिस इज माई फेवरेट मूवी आई लव दिस मूवी इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग आल्सो शाहरुख खान इट वॉज रियली ए
वेरी नाइस मूवी, आई जस्ट लव इट, इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट, द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजन, कीप इट अप। दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज, आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस, इट इज़ वेरी एवरेज काइंड्स ऑफ मूवी, डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो एवरेज, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटीफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स, बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी, द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन, आई फील डिसअपॉइंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी, गुड मूवी, ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति ऑल्सो, दिस मूवी हैज गुड सॉन्ग्स, गुड एक्ट्रेस, गुड एक्ट्रेसेज एंड गुड स्टोरी लाइन ऑल्सो, इट कुल्ड बी बेटर इफ इन द एंडिंग इफ द शाहरुख खान एंड काजल डिड फॉर दिज ब्रोदर एंड सिस्टर, आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस मूवी फॉर वाइल वैन ओपर पॉप अप कमिंग्स अबाउट दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, फाइनली वॉचेबल दिस मूवी टू डे, सम ऑफ स्क्रीन एंड सीन्स वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग, रियनुअली फ्लैश बैक सीन्स बिटवीन बट काजल एंड शाहरुख खान, आई लाइक द सीन्स बिटवीन वरुण एंड कीर्ति, वरुण डिड हिज बेस्ट विथ हिज क्यूट एक्सप्रेशन, देयर वॉज ए सीन्स वरुण गोट टू नो अबाउट शाहरुख खान दैट ही इज नॉट हिज ऑन ब्रोदर, दे हग ईच अदर, द सीन्स मैंड ऑफ दिस गुड मूवी वॉज गुड वन टाइम वॉच ए फ्यू ईयर एगो, नॉट दिस मूवी ऑन वोड टाटा स्काई पैड इज द वेरी गुड, आई लव दिस मूवी, आई लव दिस फोर बैग्स एक्ट्रेस, आई लाइक द आइडिया ऑफ दिस फिल्म, आई वॉन्ट टू से दिस सॉन्ग्स एंड ब्रावो एंड दिलवाले इज नाइस मूवी, रोहित शेट्टी एंड टीम की मूवी, रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस, द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट फैंटास्टिक एंड गुड रिकमेंडेड दिस थिंक ऑफ दिस मूवी वॉज ग्रेट बट सम कॉमेडी पार्ट्स जस्ट ड्रैग इन टू द फॉर नो रीजन शाहरुख डिलीवरी ए वेरी सस्पेंसफुल परफॉर्मेंस एंड काजल आउट डिड हिमसेल्फ ऑफ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोहित शेट्टी आई लव दिस परफेक्शन डेडिकेशन टूवर्ड्स ऑल कंटेंट वाट एवर इज अबाउट एक्शन कॉमेडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट स्टैंड्स एंड स्टूमैन दे गिव देयर बेस्ट एंड ब्लड टू मैक दिस मूवी सक्सेसफुल आई कैन गिव इन 100 stars ऑफ दिस मूवी आई लव दिस इट सो मच एंड हैव वॉचेबल इट मोरी दैन 12 times एट द टाइम्स ऑफ राइटिंग दिस आई एम वॉचिंग दिस मूवी ओनली ऑल माई फेवरेट स्टार्स आर टूगेदर वाट कैन बी मोरी ग्रेट दैन इट आई लव इट सो मच शाहरुख एंड काजल रन टाइम आफ्टर माई नेम इज खान एंड वरुण एंड कीर्ति आर कूल टू इपिक कूल एंड रोमांस द फोरसम इन दिस बेस्ट आई लव दिस मूवी एंड गुड ऑफ दूज विल गुड फैमिली मूवी देर इज नो क्रेजी स्टोरी लाइन इज फ्लो इट इज क्यूट कॉमेडिक जस्ट ए लाइट फिल्म अमेजन मूवी द स्टोरी इज अवेसम दिस इज द इंटरेस्टिंग बिकॉज कीर्ति इज विजित वरुण एलिया सिक्स द अनोदर ग्रेटिंग एज यूजफुल ऑफ दिस गुड मेगा चक्रवर्ती एंड काजुल ऑफ गुड लुकिंग ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग सॉरी ऑफ दिस गुड एब्सोल्युटली आई लाइक दिस फिल्म एंड गुड रियली एंड अमेजन मूवी इट वॉज ग्रेट आई कुड नॉट स्टॉप लंथिंग एंड क्राई ऑफ दिस सिंपल ओनली वी कैन थिंक अबाउट इपिक स्क्रिप्ट टोटली लव दिस ऑफ आई जस्ट लव दिस मूवी एंड द टाइटेनिक ऑफ मेकिंग एवरी सीन्स परफेक्ट ऑफ दिस गुड एक्टिंग द मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी प्योरली एजुकेशन एंड गुड एक्सीलेंट ब्रिलियंट इज मूवी माई फेवरेट टूडे ब्रिलियंट वर्क बाय दिस एंड गुड आई लव दिस मूवी बिकॉज वरुण एंड शाहरुख एंड कीर्ति द स्टोरी इज अमेजन देर इज लव स्टोरी बट विथ डिफरेंट ट्विस्ट आई एम श्योर यू गाइज विल लव दिस मूवी इट इज नाइस मूवी शाहरुख काजल एक्टिंग इज बेस्ट
एज ऑलवेज 4/5। बट वरुण धवन इज टोटली ओवर एक्टर लाइक सलमान खान। विल नाइस मूवी। शाहरुख खान वॉज अवेसम वेरी नाइस मूवी एंड सो प्राइड ऑफ मिस्टर रोहित शेट्टी एंड टीम। आई एम ब्लेस फॉर यू आर मेकिंग फॉर हिट मूवी एंड सो देन शाहरुख खान। एवरेज मूवी प्रोस्ट गुड कास्ट डिलाइटफुल सॉन्ग्स आई कैचिंग एक्शन सॉन्ग्स ऑफ गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द फेवरेट मूवी वेरी क्लोज टू माई हार्ट विथ सच ए मेलोडियस म्यूजिक लव इट ए मस्ट वॉच मूवी स्टोरी इज अमेजिंग शाहरुख एंड काजल आर बैक गेट टूगेदर होप दिस जस्ट होप दिस फिल्म इज रोमांटिक एंड गुड थिंक अबाउट दिस होप एग्रेसिव टोटली लव दिस मूवी एंड शाहरुख काजल वरुण कीर्ति वॉच कास्ट अमेजिंग स्टोरी लवली एंडिंग वुड 100% रिकमांडेड टू वॉच इट फॉर रिग्रेट द करेक्ट ओप दिस प्ले ओप दिस आई हैव एवरी सीन मच ओप दिस फनिंग एंड गुड everything because of always make good cinema hope this I have every seen this film is good the comedy was enjoyable and Shahrukh hope this totally in this movie this Varun Kirti hope I watchable in twist and got same emotional as when you did first time Shahrukh is legend and Kajal I love it excellent movie everyone should watch it Shahrukh Kajal rocks nothing to say much if you have not this movie is awesome hats off to the director director helper and actress have been working hard on this production of this film dilwale movie very heart touching action is best shahrukh khan king of heart all song is very good it is very interesting and awesome movie of this good very good kirti and kajal ma'am is looking too good I like so much must watch super hit movie of this very character watch this film and shahrukh khan together this is the best movie and dilwale dulhaniya le jayenge of this very and I love soundtrack and everything I listen to this soundtrack or that song that through an anti movie I keeping up this true of entry day haha it is very good movie kajal comeback fantastic varun and kirti is very good shahrukh khan is outstanding I think this movie is best I am biggest fan of shahrukh khan I like all movie of king so I am very interesting in this movie dilwale good op this I love this very love story must watch this movie amazing acting the chemistry of shahrukh and kajal was beautiful very nice and funny movie my favorite movie is my favorite op this good kirti ma'am kajal or varun dhawan want to part second op dilwale please op this good very good movie this is super and adhesive very must for moment साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए, इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूज़र्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015। आई हैव द DVD ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट डज नॉट मी ऑफ दिस विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस फैंस बिफोर विथ सुपर हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी। आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एन अनकंडीशनल
दिस इज माई फेवरेट मूवी, आई लव दिस मूवी, इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल, वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग ऑल्सो शाहरुख खान इट वॉज रियली ए वेरी नाइस मूवी, आई जस्ट लव इट, इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट, द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजिंग कीप इट अप, दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज, आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस, इट इज वेरी एवरेज काइंड ऑफ मूवी, डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो बिलो एवरेज, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटिफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स, बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी, द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन, आई फील डिसअपॉइंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी, गुड मूवी ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति ऑल्सो, दिस मूवी हैज गुड सॉन्ग्स गुड एक्ट्रेस गुड एक्ट्रेसेज and good storyline also, it could be better if in the ending if the Shahrukh Khan and Kajal did for these brother and sister, I am just ignoring this movie for while when over pop up comments about this movie on Netflix, finally watchable this movie today, some of screen and scenes was really disappointing, reanually flashback scenes between but Kajal and Shahrukh Khan, I like the scenes between Varun and Kirti, Varun did his best with his cute expression, there was a scene Varun got to know about Shahrukh Khan that he is not his own brother, they hug each other, the scenes made of this good movie was good, one time watch a few year ago, not this movie on board Tata Sky Pad is the very good, I love this movie, I love this four bags actress, I like the idea of this film, I want to say this songs and bravo and Dilwale is nice movie, Rohit Shetty and टीम की मूवी रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस, द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर, बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट fantastic and good recommended this think of this movie was great but some comedy parts just drag into the for no reason, Shahrukh delivery a very suspenseful performance and Kajal outdid himself of one of the best of Rohit Shetty, I love this perfection dedication towards all content whatever is about action comedy and most important about stands and stuntmen, they gave their best and blood to make this movie successful, I can give it 100 stars of this movie, I love it so much and have watchable it more than 12 times at the times of writing this, I am watching this movie only all my favorite stars are together, what can be more great than it, I love it so much, Shahrukh and Kajal run time after my name is Khan and Varun and Kirti are cool too, epic cool and romance the foursome in this best, I love this movie and good hope these will good family movie, there is no crazy storyline is flow, it is cute comedic just a light film अमेजन मूवी, द स्टोरी इज अवेसम दिस इज द इंटरेस्टिंग बिकॉज कीर्ति इज विजित वरुण एलिया सिक्स द अनोदर ग्रेटिंग एज यूजफुल ओप दिस गुड मेगा चक्रवर्ती एंड काजुल ओप गुड लोकिंग ओप दिस माइंड ब्लोइंग सॉरी ओप दिस गुड एब्सोल्युटली आई लाइक दिस फिल्म एंड गुड रियली एंड अमेजन मूवी इट वॉज ग्रेट आई कुड नॉट स्टॉप लंथिंग एंड क्राई ओप दिस सिंपल ओनली वी कैन थिंक अबाउट इपिक स्क्रिप्ट टोटली लव this op I just love this movie and the titanic of making every scenes perfect op this good acting the movie op this good think about very purely education and good excellent brilliant is movie my favorite today brilliant work by this and good I love this movie because Varun and Shahrukh and Kirti the story is amazing there is love story but with different twist I am sure you guys will love this movie it is nice movie Shahrukh Kajal acting is best
एज ऑलवेज 4/5 बट वरुण धवन इज टोटली ओवर एक्टर लाइक सलमान खान विल नाइस मूवी शाहरुख खान वाज अवेसम वेरी नाइस मूवी एंड सो प्राइड ऑफ मिस्टर रोहित शेट्टी एंड टीम आई एम ब्लेस फॉर यू आर मेकिंग फॉर हिट मूवी एंड सो देन शाहरुख खान एवरेज मूवी प्रोस्ट गुड कास्ट डिलाइटफुल सॉन्ग्स आई कैचिंग एक्शन सॉन्ग्स ऑफ गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द फेवरेट मूवी वेरी क्लोज टू माई हार्ट विथ सच ए मेलोडियस म्यूजिक लव इट ए मस्ट वॉच मूवी स्टोरी इज अमेजिंग शाहरुख एंड काजल आर बैक गेट टूगेदर होप दिस जस्ट होप दिस फिल्म इज रोमांटिक एंड गुड थिंक अबाउट दिस होप एग्रेसिव टोटली लव दिस मूवी एंड शाहरुख काजल वरुण कीर्ति वॉच कास्ट अमेजिंग स्टोरी लवली एंडिंग वुड 100% रिकमांडेड टू वॉच इट फॉर रिग्रेट द करेक्ट ओप दिस प्ले ओप दिस आई हैव एवरी सीन मच ओप दिस फनिंग एंड गुड everything because of always make good cinema of this I have every seen this film is good the comedy was enjoyable and Shahrukh hope this totally in this movie this Varun Kirti hope I watchable in twist and got same emotional as when you did first time Shahrukh is legend and Kajal I love it excellent movie everyone should watch it Shahrukh Kajal rocks nothing to say much if you have not this movie is awesome hats off to the director director helper and actress have been working hard over this production of this film dilwale movie very heart touching action is best shahrukh khan king of heart all song is very good it is very interesting and awesome movie of this good very good kirti and kajal ma'am is looking too good I like so much must watch super hit movie of this very character watch this film and shahrukh khan together this is the best movie and dilwale dulhaniya le jayenge of this very and I love soundtrack and everything I listen to this soundtrack or that song that through and anti movie I keeping up this true of entry day haha it is very good movie kajal comeback fantastic varun and kirti is very good shahrukh khan is outstanding I think this movie is best I am biggest fan of shahrukh khan I like all movie of king so I am very interesting in this movie dilwale good hope this I love this very love story must watch this movie amazing acting the chemistry of shahrukh and kajal was beautiful very nice and funny movie my favorite movie it is my favorite of this good kirti ma'am kajal or varun dhawan want to part second of dilwale please of this good very good movie this is super and addition very must for moment साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूज़र्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015 आई हैव द DVD ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट डज नॉट मी ऑफ दिस विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस फैंस बिफोर विथ सुपर
सुपर हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एन अनकंडीशनल दिस इज माई फेवरेट मूवी आई लव दिस मूवी इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग ऑल्सो शाहरुख खान इट वॉज रियली ए वेरी नाइस मूवी आई जस्ट लव इट इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजिंग कीप इट अप दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस इट इज वेरी एवरेज काइंड ऑफ मूवी डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो एवरेज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटीफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन आई फील डिसअपॉइंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी गुड मूवी ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति ऑल्सो दिस मूवी हैज़ गुड सॉन्ग्स गुड एक्ट्रेसेज एंड गुड स्टोरी लाइन ऑल्सो इट कुड बी बेटर इफ इन द एंडिंग इफ द शाहरुख खान एंड काजल डिड फॉर दिज ब्रोदर एंड सिस्टर आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस मूवी फॉर वाइल वैन ओपर पॉप अप कमिंग्स अबाउट दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स फाइनली वॉचेबल दिस मूवी टू डे सम ऑफ स्क्रीन एंड सीन्स वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग रियनुअली फ्लैश बैक सीन्स बिटवीन बट काजल एंड शाहरुख खान आई लाइक द सीन्स बिटवीन वरुण एंड कीर्ति वरुण डिड हिज best with his cute expression there was a scene Varun got to know about Shahrukh Khan that he is not his own brother they hug each other the scenes made up this good movie was good one time watch a few year ago not this movie on board Tata Sky pad is the very good I love this movie I love this four bags actress I like the idea of this film I want to say this songs and bravo and Dilwale is nice movie Rohit Shetty and टीम की मूवी रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट Fantastic and good recommended this think of this movie was great but some comedy parts just drag into the for no reason Shahrukh delivery a very suspenseful performance and Kajal outdid himself of one of the best of Rohit Shetty I love this perfection dedication towards all content whatever is about action comedy and most important about stunts and stuntmen they gave their best and blood to make this movie successful I can give it 100 stars of this movie I love this so much and have watchable it more than 12 times at the times of writing this I am watching this movie only all my favorite stars are together what can be more great than it I love it so much Shahrukh and Kajol runtime after my name is Khan and Varun and Kirti are cool too epic cool and romance the foursome in this best I love this movie and good hope these will good family movie there is no crazy storyline is flow it is cute comedic just a light film अमेजन मूवी द स्टोरी इज अवेसम दिस इज द इंटरेस्टिंग बिकॉज कीर्ति इज विथ वरुण एलिया सिक्स द अनोदर ग्रेटिंग एज यूजफुल ऑफ दिस गुड मेगा चक्रवर्ती एंड काजुल ऑफ गुड लुकिंग ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग सॉरी ऑफ दिस गुड एब्सोल्युटली आई लाइक दिस फिल्म एंड गुड रियली एंड अमेजन मूवी इट वॉज ग्रेट आई कुड नॉट स्टॉप लंथिंग एंड क्राई ऑफ दिस सिंपल ओनली वी कैन थिंक अबाउट एपिक स्क्रिप्ट टोटली लव दिस ऑफ आई जस्ट लव दिस मूवी एंड द टाइटेनिक ऑफ मेकिंग एवरी सीन्स परफेक्ट ऑफ दिस गुड एक्टिंग द मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी प्योरली एजुकेशन एंड गुड एक्सीलेंट ब्रिलियंट इज मूवी माई फेवरेट टूडे ब्रिलियंट वर्क बाय दिस एंड गुड आई लव दिस मूवी बिकॉज वरुण एंड शाहरुख एंड कीर्ति द स्टोरी इज अमेजन देयर इज लव स्टोरी बट विथ डिफरेंट ट्विस्ट आई एम श्योर यू गाइज विल लव दिस मूवी इट इज नाइस मूवी शाहरुख काजल एक्टिंग इज बेस्ट
एज ऑलवेज 4/5 बट वरुण धवन इज टोटली ओवर एक्टर लाइक सलमान खान विल नाइस मूवी शाहरुख खान वाज ऑलवेज वेरी नाइस मूवी एंड सो प्राउड ऑफ मिस्टर रोहित शेट्टी एंड टीम आई एम ब्लेस फॉर यू आर मेकिंग फॉर हिट मूवी एंड सो देन शाहरुख खान एवरेज मूवी प्रोस्ट गुड कास्ट डिलाइटफुल सॉन्ग्स आई कैचिंग एक्शन सॉन्ग्स ऑफ गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द फेवरेट मूवी वेरी क्लोज टू माई हार्ट विथ सच ए मेलोडियस म्यूजिक लव इट ए मस्ट वॉच मूवी स्टोरी इज अमेजिंग शाहरुख एंड काजल आर बैक गेट टूगेदर होप दिस जस्ट ऑफ दिस फिल्म इज रोमांटिक एंड गुड थिंक अबाउट दिस ऑफ एग्रेसिव टोटली लव दिस मूवी एंड शाहरुख काजल वरुण कीर्ति वॉच कास्ट अमेजन स्टोरी लवली एंडिंग वुड 100% रिकमांडेड टू वॉच इट फॉर रिग्रेट द करेक्ट ऑफ दिस प्ले ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन मच ऑफ दिस फनिंग एंड गुड everything because of always make good cinema of this I have every seen this film is good the comedy was enjoyable and Shahrukh cope this totally in this movie this Varun Kirti of I watchable in twist and got same emotional as when you did first time Shahrukh is legend and Kajal I love it excellent movie everyone should watch it Shahrukh Kajal rocks nothing to say much if you have not this movie is awesome hats off to the director director helper and actress have been working hard on this production of this film dilwale movie very heart touching action is best shahrukh khan king of heart all song is very good it is very interesting and always some movie of this good very good kirti and kajal ma'am is looking too good I like so much must watch super hit movie of this very character watch this film and shahrukh khan together this is the best movie and dilwale dulhaniya le jayenge of this very and I love soundtrack and everything I listen to this soundtrack or that song that through an anti movie I keeping up this true of entry day haha it is very good movie kajal comeback fantastic varun and kirti is very good shahrukh khan is outstanding I think this movie is best I am biggest fan of shahrukh khan I like all movie of king so I am very interesting in this movie dilwale good of this I love this very love story must watch this movie amazing acting the chemistry of shahrukh and kajal was beautiful very nice and funny movie my favorite movie is my favorite of this good kirti ma'am kajal o varun dhawan want to part second of dilwale please of this good very good movie this is super and adhesive very must for moment साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए, इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूज़र्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015 आई हैव द DVD ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट डज नॉट मी ऑफ दिस विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस फैन
फैंस बिफोर विथ सुपर हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एन अनकंडीशनल दिस इज माई फेवरेट मूवी आई लव दिस मूवी इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग ऑल्सो शाहरुख खान इट वॉज रियली ए वेरी नाइस मूवी आई जस्ट लव इट इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजिंग कीप इट अप दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस इट इज वेरी एवरेज काइंड ऑफ मूवी डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो एवरेज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटीफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन आई फील डिसअपॉइंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी गुड मूवी ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति ऑल्सो दिस मूवी हैज गुड सॉन्ग्स गुड एक्ट्रेसेस and good storyline also it could be better if in the ending if the Shahrukh Khan and Kajal did for these brother and sister I am just ignoring this movie for while when over pop up comments about this movie on Netflix finally watchable this movie today some off screen and scenes was really disappointing reanually flashback scenes between but Kajal and Shahrukh Khan I like the scenes between Varun and Kirti Varun did his best with his cute expression there was a scene Varun got to know about Shahrukh Khan that he is not his own brother they hug each other the scenes made up this good movie was good one time watch a few year ago not this movie on board Tata Sky Pad is the very good I love this movie I love this four bags actress I like the idea of this film I want to say this songs and bravo and Dilwale is nice movie Rohit Shetty and team की मूवी रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट Fantastic and good recommended this think of this movie was great but some comedy parts just drag into the for no reason Shahrukh delivery a very suspenseful performance and Kajal outdid himself of one of the best of Rohit Shetty I love this perfection dedication towards all content whatever is about action comedy and most important about stands and stuntmen they gave their best and blood to make this movie successful I can give it a 100 stars of this movie I love this so much and have watchable it more than 12 times at the times of writing this I am watching this movie only all my favorite stars are together what can be more great than it I love it so much Shahrukh and Kajal runtime after my name is Khan and Varun and Kirti are cool too epic cool and romance the foursome in this best I love this movie and good hope these will good family movie there is no crazy storyline is flow it is cute comedic just a light film अमेजन मूवी द स्टोरी इज अवेसम दिस इज द इंटरेस्टिंग बिकॉज कीर्ति इज विजित वरुण एलिया सिक्स द अनोदर ग्रेटिंग एज यूजफुल ओप दिस गुड मेगा चक्रवर्ती एंड काजुल ओप गुड लोकिंग ओप दिस माइंड ब्लोइंग सॉरी ओप दिस गुड एब्सोल्युटली आई लाइक दिस फिल्म एंड गुड रियली एंड अमेजन मूवी इट वॉज ग्रेट आई कुड नॉट स्टॉप लंथिंग एंड क्राई ओप दिस सिंपल ओनली वी कैन थिंक अबाउट एपिक स्क्रिप्ट टोटली लव this hope I just love this movie and the titanic of making every scenes perfect hope this good acting the movie hope this good think about very purely education and good excellent brilliant is movie my favorite today brilliant work by this and good I love this movie because Varun and Shahrukh and Kirti the story is amazing there is love story but with different twist I am sure you guys will love this movie it is nice movie Shahrukh Kajal acting is best
एज ऑलवेज 4/5 बट वरुण धवन इज टोटली ओवर एक्टर लाइक सलमान खान विल नाइस मूवी शाहरुख खान वाज अवेसम वेरी नाइस मूवी एंड सो प्राइड ऑफ मिस्टर रोहित शेट्टी एंड टीम आई एम ब्लेस फॉर यू आर मेकिंग फॉर हिट मूवी एंड सो देन शाहरुख खान एवरेज मूवी प्रोस्ट गुड कास्ट डिलाइटफुल सॉन्ग्स आई कैचिंग एक्शन सॉन्ग्स ऑफ गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द फेवरेट मूवी वेरी क्लोज टू माई हार्ट विथ सच ए मेलोडियस म्यूजिक लव इट ए मस्ट वॉच मूवी स्टोरी इज अमेजिंग शाहरुख एंड काजल आर बैक गेट टूगेदर होप दिस जस्ट होप दिस फिल्म इज रोमांटिक एंड गुड थिंक अबाउट दिस होप एग्रेसिव टोटली लव दिस मूवी एंड शाहरुख काजल वरुण कीर्ति वॉच कास्ट अमेजिंग स्टोरी लवली एंडिंग वुड 100% रिकमांडेड टू वॉच इट फॉर रिग्रेट द करेक्ट ओप दिस प्ले ओप दिस आई हैव एवरी सीन मच ओप दिस फनिंग एंड गुड everything because of always make good cinema of this I have every seen this film is good the comedy was enjoyable and Shahrukh hope this totally in this movie this Varun Kirti hope I watchable in twist and got same emotional as when you did first time Shahrukh is legend and Kajal I love it excellent movie everyone should watch it Shahrukh Kajal rocks nothing to say much if you have not this movie is awesome hats off to the director Director helper and actress have been working hard over this production of this film. Dilwale movie very heart touching action is best. Shahrukh Khan king of heart. All song is very good. It is very interesting and awesome movie of this good. Very good. Kirti and Kajal ma'am is looking too good. I like so much. Must watch super hit movie of this very character was this film and Shahrukh Khan together. This is the best movie and Dilwale Dulhaniya Le Jayenge of this very. And I love soundtrack and everything I listen to the soundtrack or that song that through an anti movie I keeping up this true of entry day haha it is very good movie Kajal comeback fantastic Varun and Kirti is very good Shahrukh Khan is outstanding I think this movie is best I am biggest fan of Shahrukh Khan I like all movie of King so I am very interesting in this movie Dilwale good of this I love this very love story must watch this movie amazing acting the chemistry of Shahrukh and Kajal was beautiful very nice and funny movie my favorite movie it is my favorite of this good Kirti ma'am Kajal oh Varun Dhawan want to part second of Dilwale please of this good very good movie this is super and addition very must for moment साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015 आई हैव द DVD ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट डज नॉट मी ऑफ दिस विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस फैंस बिफोर विथ सुपर हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एन अनकंडीशनल
दिस इज माई फेवरेट मूवी, आई लव दिस मूवी, इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल, वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग, ऑल्सो शाहरुख खान इट वॉज रियली ए वेरी नाइस मूवी, आई जस्ट लव इट, इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट, द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजिंग, कीप इट अप, दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज, आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस, इट इज वेरी एवरेज काइंड ऑफ मूवी, डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो एवरेज, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटिफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स, बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी, द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन, आई फील डिसअपॉइंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी, गुड मूवी, ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति ऑल्सो, दिस मूवी हैज गुड सॉन्ग्स, गुड एक्ट्रेस, गुड एक्ट्रेसेज एंड गुड स्टोरी लाइन ऑल्सो, इट कुल्ड बी बेटर इफ इन द एंडिंग इफ द शाहरुख खान एंड काजल डिड फॉर दिज ब्रोदर एंड सिस्टर, आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस मूवी फॉर वाइल वैन ओपर पॉप अप कमिंग्स अबाउट दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, फाइनली वॉचेबल दिस मूवी टू डे, सम ऑफ स्क्रीन एंड सीन्स वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग, रियनुअली फ्लैश बैक सीन्स बिटवीन बट काजल एंड शाहरुख खान, आई लाइक द सीन्स बिटवीन वरुण एंड कीर्ति, वरुण डिड हिज बेस्ट विथ हिज क्यूट एक्सप्रेशन, देयर वॉज ए सीन्स वरुण गोट टू नो अबाउट शाहरुख खान दैट ही इज नॉट हिज ऑन ब्रोदर, दे हग ईच अदर, द सीन्स मैंड ऑफ दिस गुड मूवी वॉज गुड वन टाइम वॉच ए फ्यू ईयर एगो, नॉट दिस मूवी ऑन वोड टाटा स्काई पैड इज द वेरी गुड, आई लव दिस मूवी, आई लव दिस फोर बैग्स एक्ट्रेस, आई लाइक द आइडिया ऑफ दिस फिल्म, आई वॉन्ट टू से दिस सॉन्ग्स एंड ब्रावो एंड दिलवाले इज नाइस मूवी, रोहित शेट्टी एंड टीम की मूवी रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस, द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट Fantastic and good recommended this think of this movie was great but some comedy parts just drag into the for no reason Shahrukh delivery a very suspenseful performance and Kajal outdid himself of one of the best of Rohit Shetty I love this perfection dedication towards all content whatever is about action comedy and most important about stunts and stuntmen they gave their best and blood to make this movie successful I can give it 100 stars of this movie I love it so much and have watchable it more than 12 times at the times of writing this I am watching this movie only all my favorite stars are together what can be more great than it I love it so much Shahrukh and Kajol runtime after my name is Khan and Varun and Kirti are cool too epic cool and romance the foursome in this best I love this movie and good hope these will good family movie there is no crazy storyline is flow it is cute comedic just a light film अमेजन मूवी द स्टोरी इज अवेसम दिस इज द इंटरेस्टिंग बिकॉज कीर्ति इज विथ वरुण एलिया सिक्स द अनोदर ग्रेटिंग एज यूजफुल ऑफ दिस गुड मेगा चक्रवर्ती एंड काजुल ऑफ गुड लुकिंग ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग सॉरी ऑफ दिस गुड एब्सोल्युटली आई लाइक दिस फिल्म एंड गुड रियली एंड अमेजन मूवी इट वॉज ग्रेट आई कुड नॉट स्टॉप लंथिंग एंड क्राई ऑफ दिस सिंपल ओनली वी कैन थिंक अबाउट इपिक स्क्रिप्ट टोटली लव दिस ऑफ आई जस्ट लव दिस मूवी एंड द टाइटेनिक ऑफ मेकिंग एवरी सीन्स परफेक्ट ऑफ दिस गुड एक्टिंग द मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी प्योरली एजुकेशन एंड गुड एक्सीलेंट ब्रिलियंट इज मूवी माई फेवरेट टूडे ब्रिलियंट वर्क बाय दिस एंड गुड आई लव दिस मूवी बिकॉज वरुण एंड शाहरुख एंड कीर्ति द स्टोरी इज अमेजन देयर इज लव स्टोरी बट विथ डिफरेंट ट्विस्ट आई एम श्योर यू गाइज विल लव दिस मूवी इट इज नाइस मूवी शाहरुख काजल एक्टिंग इज बेस्ट
एज ऑलवेज 4/5 बट वरुण धवन इज टोटली ओवर एक्टर लाइक सलमान खान विल नाइस मूवी शाहरुख खान वाज ऑब्वियसली वेरी नाइस मूवी एंड सो प्राउड ऑफ मिस्टर रोहित शेट्टी एंड टीम आई एम ब्लेस फॉर यू आर मेकिंग फॉर हिट मूवी एंड सो देन शाहरुख खान एवरेज मूवी प्रोस्ट गुड कास्ट डिलाइटफुल सॉन्ग्स आई कैचिंग एक्शन सॉन्ग्स ऑफ गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द फेवरेट मूवी वेरी क्लोज टू माई हार्ट विथ सच ए मेलोडियस म्यूजिक लव इट ए मस्ट वॉच मूवी स्टोरी इज अमेजिंग शाहरुख एंड काजल आर बैक गेट टूगेदर होप दिस जस्ट ऑफ दिस फिल्म इज रोमांटिक एंड गुड थिंक अबाउट दिस ऑप एग्रेसिव टोटली लव दिस मूवी एंड शाहरुख काजल वरुण कीर्ति वॉच कास्ट अमेजिंग स्टोरी लवली एंडिंग वुड 100% रिकमांडेड टू वॉच इट फॉर रिग्रेट द करेक्ट ऑप दिस प्ले ऑप दिस आई हैव एवरी सीन मच ऑप दिस फनिंग एंड गुड everything because of always make good cinema of this I have every seen this film is good the comedy was enjoyable and Shahrukh cope this totally in this movie this Varun Kirti of I watchable in twist and got same emotional as when you did first time Shahrukh is legend and Kajal I love it excellent movie everyone should watch it Shahrukh Kajal rocks nothing to say much if you have not this movie is awesome hats off to the director director helper and actress have been working hard on this production of this film dilwale movie very heart touching action is best shahrukh khan king of heart all song is very good it is very interesting and awesome movie of this good very good kirti and kajal ma'am is looking too good I like so much must watch super hit movie of this very character watch this film and shahrukh khan together this is the best movie and dilwale dulhaniya le jayenge of this very and I love soundtrack and everything I listen to this soundtrack or that song that through an anti movie I keeping up this true of entry day haha it is very good movie kajal comeback fantastic varun and kirti is very good shahrukh khan is outstanding I think this movie is best I am biggest fan of shahrukh khan I like all movie of king so I am very interesting in this movie dilwale good op this I love this very love story must watch this movie amazing acting the chemistry of shahrukh and kajal was beautiful very nice and funny movie my favorite movie is my favorite op this good kirti ma'am kajal or varun dhawan want to part second op dilwale please op this good very good movie this is super and adhesive very must for moment साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015 आई हैव द DVD ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट डज नॉट मी ऑफ दिस विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस फैंस बिफोर विथ सुपर हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एन अनकंडीशनल
दिस इज माई फेवरेट मूवी, आई लव दिस मूवी, इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल, वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग ऑल्सो शाहरुख खान इट वॉज रियली ए वेरी नाइस मूवी आई जस्ट लव इट इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजिंग कीप इट अप दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस इट इज वेरी एवरेज काइंड ऑफ मूवी डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो एवरेज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटिफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन आई फील डिसमोंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी गुड मूवी ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति ऑल्सो दिस मूवी हैज गुड सॉन्ग्स गुड एक्ट्रेसेस एंड गुड स्टोरी लाइन ऑल्सो इट कुड बी बेटर इफ इन द एंडिंग इफ द शाहरुख खान एंड काजल डिड फॉर दिज ब्रोदर एंड सिस्टर आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस मूवी फॉर वाइल वैन ओपर पॉप अप कमिंग्स अबाउट दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स फाइनली वॉचेबल दिस मूवी टू डे सम ऑफ स्क्रीन एंड सीन्स वॉज रियली डिसमोंटिंग रियनुअली फ्लैश बैक सीन्स बिटवीन बट काजल एंड शाहरुख खान आई लाइक द सीन्स बिटवीन वरुण एंड कीर्ति वरुण डिड हिज बेस्ट विथ हिज क्यूट एक्सप्रेशन देयर वॉज ए सीन्स वरुण गोट टू नो अबाउट शाहरुख खान दैट ही इज नॉट हिज ऑन ब्रोदर दे हग ईच अदर द सीन्स मैंड ऑफ दिस गुड मूवी वॉज गुड वन टाइम वॉच ए फ्यू ईयर एगो नॉट दिस मूवी ऑन वोड टाटा स्काई पैड इज द वेरी गुड आई लव दिस मूवी आई लव दिस फोर बैग्स एक्ट्रेस आई लाइक द आइडिया ऑफ दिस फिल्म आई वॉन्ट टू से दिस सॉन्ग्स एंड ब्रावो एंड दिलवाले इज नाइस मूवी रोहित शेट्टी एंड टीम की मूवी रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट Fantastic and good recommended this think of this movie was great but some comedy parts just drag into the for no reason Shahrukh delivery a very suspenseful performance and Kajal outdid himself of one of the best of Rohit Shetty I love this perfection dedication towards all content whatever is about action comedy and most important about stunts and stuntmen they give their best and blood to make this movie successful I can give it 100 stars of this movie I love this so much and have watchable it more than 12 times at the times of writing this I am watching this movie only all my favorite stars are together what can be more great than it I love it so much Shahrukh and Kajol runtime after my name is Khan and Varun and Kirti are cool too epic cool and romance the foursome in this best I love this movie and good of those will good family movie there is no crazy storyline is flow it is cute comedic just a light film अमेजन मूवी द स्टोरी इज अवेसम दिस इज द इंटरेस्टिंग बिकॉज कीर्ति इज विथ वरुण एलिया सिक्स द अनोदर ग्रेटिंग एज यूजफुल ऑफ दिस गुड मेगा चक्रवर्ती एंड काजुल ऑफ गुड लुकिंग ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग सॉरी ऑफ दिस गुड एब्सोल्युटली आई लाइक दिस फिल्म एंड गुड रियली एंड अमेजन मूवी इट वॉज ग्रेट आई कुड नॉट स्टॉप लंथिंग एंड क्राई ऑफ दिस सिंपल ओनली वी कैन थिंक अबाउट एपिक स्क्रिप्ट टोटली लव this op I just love this movie and the titanic of making every scenes perfect op this good acting the movie op this good think about very purely education and good excellent brilliant is movie my favorite today brilliant work by this and good I love this movie because Varun and Shahrukh and Kirti the story is amazing there is love story but with different twist I am sure you guys will love this movie it is nice movie Shahrukh Kajol acting is best
एज ऑलवेज 4/5 बट वरुण धवन इज टोटली ओवर एक्टर लाइक सलमान खान विल नाइस मूवी शाहरुख खान वाज अवेसम वेरी नाइस मूवी एंड सो प्राइड ऑफ मिस्टर रोहित शेट्टी एंड टीम आई एम ब्लेस फॉर यू आर मेकिंग फॉर हिट मूवी एंड सो देन शाहरुख खान एवरेज मूवी प्रोस्ट गुड कास्ट डिलाइटफुल सॉन्ग्स आई कैचिंग एक्शन सॉन्ग्स ऑफ गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द फेवरेट मूवी वेरी क्लोज टू माई हार्ट विथ सच ए मेडोलियस म्यूजिक लव इट ए मस्ट वॉच मूवी स्टोरी इज अमेजन शाहरुख एंड काजल आर बैक गेट टूगेदर होप दिस जस्ट ऑफ दिस फिल्म इज रोमांटिक एंड गुड थिंक अबाउट दिस ऑफ एग्रेसिव टोटली लव दिस मूवी एंड शाहरुख काजल वरुण कीर्ति वॉच कास्ट अमेजन स्टोरी लवली एंडिंग वुड 100% रिकमांडेड टू वॉच इट फॉर रिग्रेट द करेक्ट ऑफ दिस प्ले ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन मच ऑफ दिस फनिंग एंड गुड everything because of always make good cinema of this I have every seen this film is good the comedy was enjoyable and Saru cope this totally in this movie this Varun Kirti of I watchable in twist and got same emotional as when you did first time Saru is legend and Kajal I love it excellent movie everyone should watch it Saru Kajal rocks nothing to say much if you have not this movie is awesome hats off to the director director helper and actress have been working hard on this production of this film dilwale movie very heart touching action is best shahrukh khan king of heart all song is very good it is very interesting and awesome movie of this good very good kirti and kajal ma'am is looking too good I like so much must watch super hit movie of this very character watch this film and shahrukh khan together this is the best movie and dilwale dulhaniya le jayenge of this very and I love soundtrack and everything I listen to this soundtrack or that song that through an anti movie I keeping up this true of entry day haha it is very good movie kajal comeback fantastic varun and kirti is very good shahrukh khan is outstanding I think this movie is best I am biggest fan of shahrukh khan I like all movie of king so I am very interesting in this movie dilwale good of this I love this very love story must watch this movie amazing acting the chemistry of shahrukh and kajal was beautiful very nice and funny movie my favorite movie it is my favorite of this good kirti ma'am kajal or varun dhawan want to part second of dilwale please of this good very good movie this is super and adhesive very must for moment साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए, इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूज़र्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015 आई हैव द DVD ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट डज नॉट मी ऑफ दिस विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस फैंस बिफोर विथ सुपर हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एन अनकंडीशनल
दिस इज माई फेवरेट मूवी, आई लव दिस मूवी, इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल, वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग ऑल्सो शाहरुख खान इट वॉज रियली ए वेरी नाइस मूवी आई जस्ट लव इट इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजिंग कीप इट अप दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस इट इज वेरी एवरेज काइंड ऑफ मूवी डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो एवरेज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटिफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन आई फील डिसअपॉइंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी गुड मूवी ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति ऑल्सो दिस मूवी हैज गुड सॉन्ग्स गुड एक्ट्रेसेज एंड गुड स्टोरी लाइन ऑल्सो इट कुड बी बेटर इफ इन द एंडिंग इफ द शाहरुख खान एंड काजल डिड फॉर दिज ब्रोदर एंड सिस्टर आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस मूवी फॉर वाइल वैन ओपर पॉप अप कमिंग्स अबाउट दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स फाइनली वॉचेबल दिस मूवी टू डे सम ऑफ स्क्रीन एंड सीन्स वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग रियनुअली फ्लैश बैक सीन्स बिटवीन बट काजल एंड शाहरुख खान आई लाइक द सीन्स बिटवीन वरुण एंड कीर्ति वरुण डिड हिज बेस्ट विथ हिज क्यूट एक्सप्रेशन देयर वॉज ए सीन्स वरुण गोट टू नो अबाउट शाहरुख खान दैट ही इज नॉट हिज ऑन ब्रोदर दे हग ईच अदर द सीन्स मैंड ऑफ दिस गुड मूवी वॉज गुड वन टाइम वॉच ए फ्यू ईयर एगो नॉट दिस मूवी ऑन वोड टाटा स्काई पैड इज द वेरी गुड आई लव दिस मूवी आई लव दिस फोर बैग्स एक्ट्रेस आई लाइक द आइडिया ऑफ दिस फिल्म आई वॉन्ट टू से दिस सॉन्ग्स एंड ब्रावो एंड दिलवाले इज नाइस मूवी रोहित शेट्टी एंड टीम की मूवी रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट Fantastic and good recommended this think of this movie was great but some comedy parts just drag into the for no reason Shahrukh delivery a very suspenseful performance and Kajal outdid himself of one of the best of Rohit Shetty I love this perfection dedication towards all content whatever is about action comedy and most important about stunts and stuntmen they gave their best and blood to make this movie successful I can give it 100 stars of this movie I love this so much and have watchable it more than 12 times at the times of writing this I am watching this movie only all my favorite stars are together what can be more great than it I love it so much Shahrukh and Kajol runtime after my name is Khan and Varun and Kirti are cool too epic cool and romance the foursome in this best I love this movie and good hope these will good family movie there is no crazy storyline is flow it is cute comedic just a light film अमेजन मूवी द स्टोरी इज अवेसम दिस इज द इंटरेस्टिंग बिकॉज कीर्ति इज विजित वरुण एलिया सिक्स द अनोदर ग्रेटिंग एज यूजफुल ऑफ दिस गुड मेगा चक्रवर्ती एंड काजुल ऑफ गुड लोकिंग ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग सॉरी ऑफ दिस गुड एब्सोल्युटली आई लाइक दिस फिल्म एंड गुड रियली एंड अमेजन मूवी इट वॉज ग्रेट आई कुड नॉट स्टॉप लंथिंग एंड क्राई ऑफ दिस सिंपल ओनली वी कैन थिंक अबाउट एपिक स्क्रिप्ट टोटली लव this op I just love this movie and the titanic of making every scenes perfect op this good acting the movie op this good think about very purely education and good excellent brilliant is movie my favorite today brilliant work by this and good I love this movie because Varun and Shahrukh and Kirti the story is amazing there is love story but with different twist I am sure you guys will love this movie it is nice movie Shahrukh Kajol acting is best
एज ऑलवेज 4/5 बट वरुण धवन इज टोटली ओवर एक्टर लाइक सलमान खान विल नाइस मूवी शाहरुख खान वाज अवेसम वेरी नाइस मूवी एंड सो प्राइड ऑफ मिस्टर रोहित शेट्टी एंड टीम आई एम ब्लेस फॉर यू आर मेकिंग फॉर हिट मूवी एंड सो देन शाहरुख खान एवरेज मूवी प्रोस्ट गुड कास्ट डिलाइटफुल सॉन्ग्स आई कैचिंग एक्शन सॉन्ग्स ऑफ गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द फेवरेट मूवी वेरी क्लोज टू माई हार्ट विथ सच ए मेलोडियस म्यूजिक लव इट ए मस्ट वॉच मूवी स्टोरी इज अमेजन शाहरुख एंड काजल आर बैक गेट टूगेदर होप दिस जस्ट ऑफ दिस फिल्म इज रोमांटिक एंड गुड थिंक अबाउट दिस ऑफ एग्रेसिव टोटली लव दिस मूवी एंड शाहरुख काजल वरुण कीर्ति वॉच कास्ट अमेजन स्टोरी लवली एंडिंग वुड 100% रिकमांडेड टू वॉच इट फॉर रिग्रेट द करेक्ट ऑफ दिस प्ले ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन मच ऑफ दिस फनिंग एंड गुड everything because of always make good cinema of this I have every seen this film is good the comedy was enjoyable and Saru cope this totally in this movie this Varun Kirti of I watchable in twist and got same emotional as when you did first time Saru is legend and Kajal I love it excellent movie everyone should watch it Saru Kajal rocks nothing to say much if you have not this movie is awesome hats off to the director director helper and actress have been working hard on this production of this film dilwale movie very heart touching action is best shahrukh khan king of heart all song is very good it is very interesting and awesome movie of this good very good kirti and kajal ma'am is looking too good I like so much must watch super hit movie of this very character watch this film and shahrukh khan together this is the best movie and dilwale dulhaniya le jayenge of this very And I love soundtrack and everything I listen to this soundtrack or that song that through an anti movie I keeping up this true of entry day haha it is very good movie Kajal comeback fantastic Varun and Kirti is very good Shahrukh Khan is outstanding I think this movie is best I am biggest fan of Shahrukh Khan I like all movie of King so I am very interesting in this movie Dilwale good of this I love this very love story must watch Watch this movie amazing acting the chemistry of Shahrukh and Kajal was beautiful very nice and funny movie my favorite is my favorite of this good Kirti ma'am Kajal or Varun Dhawan want to part second of Dilwale please of this good very good movie this is super and addition very must for moment साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए, इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूज़र्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015 आई हैव द DVD ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट डज नॉट मी ऑफ दिस विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस फैंस बिफोर विथ सुपर हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एन अनकंडीशनल
दिस इज माई फेवरेट मूवी, आई लव दिस मूवी, इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल, वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग ऑल्सो शाहरुख खान इट वॉज रियली ए वेरी नाइस मूवी आई जस्ट लव इट इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजिंग कीप इट अप दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस इट इज वेरी एवरेज काइंड ऑफ मूवी डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो एवरेज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटिफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन आई फील डिसअपॉइंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी गुड मूवी ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति ऑल्सो दिस मूवी हैज गुड सॉन्ग्स गुड एक्ट्रेसेस एंड गुड स्टोरी लाइन ऑल्सो इट कुड बी बेटर इफ इन द एंडिंग इफ द शाहरुख खान एंड काजल डिड फॉर दिज ब्रोदर एंड सिस्टर आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस मूवी फॉर वाइल वैन ओपर पॉप अप कमिंग्स अबाउट दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स फाइनली वॉचेबल दिस मूवी टू डे सम ऑफ स्क्रीन एंड सीन्स वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग रियनुअली फ्लैश बैक सीन्स बिटवीन बट काजल एंड शाहरुख खान आई लाइक द सीन्स बिटवीन वरुण एंड कीर्ति वरुण डिड हिज बेस्ट विथ हिज क्यूट एक्सप्रेशन देयर वॉज ए सीन्स वरुण गोट टू न्यू अबाउट शाहरुख खान दैट हीज नॉट हिज ऑन ब्रोदर दे हग ईच अदर द सीन्स मैंड ऑफ दिस गुड मूवी वॉज गुड वन टाइम वॉच ए फ्यू ईयर एगो नॉट दिस मूवी ऑन वोड टाटा स्काई पैड इज द वेरी गुड आई लव दिस मूवी आई लव दिस फोर बैग्स एक्ट्रेस आई लाइक द आइडिया ऑफ दिस फिल्म आई वॉन्ट टू से दिस सॉन्ग्स एंड ब्रावो एंड दिलवाले इज नाइस मूवी रोहित शेट्टी एंड टीम की मूवी रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट Fantastic and good recommended this think of this movie was great but some comedy parts just drag into the for no reason Shahrukh delivery a very suspenseful performance and Kajal outdid himself of one of the best of Rohit Shetty I love this perfection dedication towards all content whatever is about action comedy and most important about stunts and stuntmen they gave their best and blood to make this movie successful I can give it 100 stars of this movie I love this so much and have watchable it more than 12 times at the times of writing this I am watching this movie only all my favorite stars are together what can be more great than it I love it so much Shahrukh and Kajol runtime after my name is Khan and Varun and Kirti are cool too epic cool and romance the foursome in this best I love this movie and good hope these will good family movie there is no crazy storyline is flow it is cute comedic just a light film अमेजन मूवी द स्टोरी इज अवेसम दिस इज द इंटरेस्टिंग बिकॉज कीर्ति इज विजित वरुण एलिया सिक्स द अनोदर ग्रेटिंग एज यूजफुल ऑफ दिस गुड मेगा चक्रवर्ती एंड काजुल ऑफ गुड लोकिंग ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग सॉरी ऑफ दिस गुड एब्सोल्युटली आई लाइक दिस फिल्म एंड गुड रियली एंड अमेजन मूवी इट वॉज ग्रेट आई कुड नॉट स्टॉप लंथिंग एंड क्राई ऑफ दिस सिंपल ओनली वी कैन थिंक अबाउट एपिक स्क्रिप्ट टोटली लव this op I just love this movie and the titanic of making every scenes perfect op this good acting the movie op this good think about very purely education and good excellent brilliant is movie my favorite today brilliant work by this and good I love this movie because Varun and Shahrukh and Kirti the story is amazing there is love story but with different twist I am sure you guys will love this movie it is nice movie Shahrukh Kajol acting is best
एज ऑलवेज 4/5 बट वरुण धवन इज टोटली ओवर एक्टर लाइक सलमान खान विल नाइस मूवी शाहरुख खान वाज अवेसम वेरी नाइस मूवी एंड सो प्राइड ऑफ मिस्टर रोहित शेट्टी एंड टीम आई एम ब्लेस फॉर यू आर मेकिंग फॉर हिट मूवी एंड सो देन शाहरुख खान एवरेज मूवी प्रोस्ट गुड कास्ट डिलाइटफुल सॉन्ग्स आई कैचिंग एक्शन सॉन्ग्स ऑफ गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द फेवरेट मूवी वेरी क्लोज टू माई हार्ट विथ सच ए मेलोडियस म्यूजिक लव इट ए मस्ट वॉच मूवी स्टोरी इज अमेजिंग शाहरुख एंड काजल आर बैक गेट टूगेदर होप दिस जस्ट ऑफ दिस फिल्म इज रोमांटिक एंड गुड थिंक अबाउट दिस ऑफ एग्रेसिव टोटली लव दिस मूवी एंड शाहरुख काजल वरुण कीर्ति वॉच कास्ट अमेजिंग स्टोरी लवली एंडिंग वुड 100% रिकमांडेड टू वॉच इट फॉर रिग्रेट द करेक्ट ऑफ दिस प्ले ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन मच ऑफ दिस फनिंग एंड गुड everything because of always make good cinema of this I have every seen this film is good the comedy was enjoyable and Saru cope this totally in this movie this Varun Kirti of I watchable in twist and got same emotional as when you did first time Saru is legend and Kajal I love it excellent movie everyone should watch it Saru Kajal rocks nothing to say much if you have not this movie is awesome hats off to the director director helper and actress have been working hard on this production of this film dilwale movie very heart touching action is best shahrukh khan king of heart all song is very good it is very interesting and awesome movie of this good very good kirti and kajal ma'am is looking too good I like so much must watch super hit movie of this very character watch this film and shahrukh khan together this is the best movie and dilwale dulhaniya le jayenge of this very And I love soundtrack and everything I listen to this soundtrack or that song that through an anti movie I keeping up this true of entry day haha it is very good movie Kajal comeback fantastic Varun and Kirti is very good Shahrukh Khan is outstanding I think this movie is best I am biggest fan of Shahrukh Khan I like all movie of King so I am very interesting in this movie Dilwale good of this I love this very love story must watch this movie amazing acting the chemistry of Shahrukh and Kajal was beautiful very nice and funny movie my favorite movie is my favorite of this good Kirti ma'am Kajal or Varun Dhawan want to part second of Dilwale please of this good very good movie this is super and adhesive very must for moment साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए, इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूज़र्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015 आई हैव द DVD ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट डज नॉट मी ऑफ दिस विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस फैंस बिफोर विथ सुपर
हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एंड अनकंडीशनल दिस इज माई फेवरेट मूवी आई लव दिस मूवी इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग ऑल्सो शाहरुख खान इट वॉज रियली ए वेरी नाइस मूवी आई जस्ट लव इट इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजिंग कीप इट अप दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस इट इज वेरी एवरेज काइंड्स ऑफ मूवी डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो एवरेज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटीफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन आई फील डिसअपॉइंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी गुड मूवी ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति ऑल्सो दिस मूवी हैज गुड सॉन्ग्स गुड एक्ट्रेस गुड एक्ट्रेसेज एंड गुड स्टोरी लाइन ऑल्सो इट कुल्ड बी बेटर इफ इन द एंडिंग इफ द शाहरुख खान एंड काजल डिड फॉर दिज ब्रोदर एंड सिस्टर आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस मूवी फॉर वाइल वैन ओपर पॉप अप कमिंग्स अबाउट दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स फाइनली वॉचेबल दिस मूवी टू डे सम ऑफ स्क्रीन एंड सीन्स वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग रियनुअली फ्लैश बैक सीन्स बिटवीन बट काजल एंड शाहरुख खान आई लाइक द सीन्स बिटवीन वरुण एंड कीर्ति वरुण डिड हिज best with his cute expression there was a scene Varun got to know about Shahrukh Khan that he is not his own brother they hug each other the scenes made up this good movie was good one time watch a few year ago not this movie on board Tata Sky pad is the very good I love this movie I love this four bags actress I like the idea of this film I want to say this songs and bravo and Dilwale is nice movie Rohit Shetty and टीम की मूवी रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट Fantastic and good recommended this think of this movie was great but some comedy parts just drag into the for no reason Shahrukh delivery a very suspenseful performance and Kajal outdid himself of one of the best of Rohit Shetty I love this perfection dedication towards all content whatever is about action comedy and most important about stunts and stuntmen they gave their best and blood to make this movie successful I can give it 100 stars of this movie I love it so much and have watchable it more than 12 times at the times of writing this I am watching this movie only all my favorite stars are together what can be more great than it I love it so much Shahrukh and Kajol runtime after my name is Khan and Varun and Kirti are cool too epic cool and romance the foursome in this best I love this movie and good hope these will good family movie there is no crazy storyline is flow it is cute comedic just a light film अमेजन मूवी द स्टोरी इज अवेसम दिस इज द इंटरेस्टिंग बिकॉज कीर्ति इज विथ वरुण एलिया सिक्स द अनोदर ग्रेटिंग एज यूजफुल ऑफ दिस गुड मेगा चक्रवर्ती एंड काजुल ऑफ गुड लुकिंग ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग सॉरी ऑफ दिस गुड एब्सोल्युटली आई लाइक दिस फिल्म एंड गुड रियली एंड अमेजन मूवी इट वॉज ग्रेट आई कुड नॉट स्टॉप लंथिंग एंड क्राई ऑफ दिस सिंपल ओनली वी कैन थिंक अबाउट एपिक स्क्रिप्ट टोटली लव this op I just love this movie and the titanic of making every scenes perfect op this good acting the movie op this good think about very purely education and good excellent brilliant is movie my favorite today brilliant work by this and good I love this movie because Varun and Shahrukh and Kirti the story is amazing there is love story but with different twist I am sure you guys will love this movie it is nice movie Shahrukh Kajol acting is best
एज ऑलवेज 4/5 बट वरुण धवन इज टोटली ओवर एक्टर लाइक सलमान खान विल नाइस मूवी शाहरुख खान वाज अवेसम वेरी नाइस मूवी एंड सो प्राइड ऑफ मिस्टर रोहित शेट्टी एंड टीम आई एम ब्लेस फॉर यू आर मेकिंग फॉर हिट मूवी एंड सो देन शाहरुख खान एवरेज मूवी प्रोस्ट गुड कास्ट डिलाइटफुल सॉन्ग्स आई कैचिंग एक्शन सॉन्ग्स ऑफ गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द फेवरेट मूवी वेरी क्लोज टू माई हार्ट विथ सच ए मेलोडियस म्यूजिक लव इट ए मस्ट वॉच मूवी स्टोरी इज अमेजिंग शाहरुख एंड काजल आर बैक गेट टूगेदर होप दिस जस्ट ओप दिस फिल्म इज रोमांटिक एंड गुड थिंक अबाउट दिस ओप एग्रेसिव टोटली लव दिस मूवी एंड शाहरुख काजल वरुण कीर्ति वॉच कास्ट अमेजिंग स्टोरी लवली एंडिंग वुड 100% रिकमांडेड टू वॉच इट फॉर रिग्रेट द करेक्ट ओप दिस प्ले ओप दिस आई हैव एवरी सीन मच ओप दिस फनिंग एंड गुड everything because of always make good cinema of this I have every seen this film is good the comedy was enjoyable and saru cope this totally in this movie this varun kirti of I watchable in twist and got same emotional as when you did first time saru is legend and kajal I love it excellent movie everyone should watch it saru kajal rocks nothing to say much if you have not this movie is awesome hats off to the director director helper and actress have been working hard on this production of this film dilwale movie very heart touching action is best shahrukh khan king of heart all song is very good it is very interesting and awesome movie of this good very good kirti and kajal ma'am is looking too good I like so much must watch super hit movie of this very character watch this film and shahrukh khan together this is the best movie and dilwale dulhaniya le jayenge of this wearing And I love soundtrack and everything I listen to this soundtrack or that song that through an anti movie I keeping up this true of entry day haha it is very good movie kajal comeback fantastic varun and kirti is very good shahrukh khan is outstanding I think this movie is best I am biggest fan of shahrukh khan I like all movie of king so I am very interesting in this movie dilwale good op this I love this very love story must watch this movie amazing acting the chemistry of shahrukh and kajal was beautiful very nice and funny movie my favorite movie is my favorite op this good kirti ma'am kajal or varun dhawan want to part second op dilwale please op this good very good movie this is super and adhesive very must for moment साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015 आई हैव द DVD ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट डज नॉट मी ऑफ दिस विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस फैंस बिफोर विथ सुपर हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एन अनकंडीशनल
दिस इज माई फेवरेट मूवी, आई लव दिस मूवी, इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल, वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग, ऑल्सो शाहरुख खान इट वॉज रियली ए वेरी नाइस मूवी, आई जस्ट लव इट, इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट, द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजन कीप इट अप, दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज, आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस, इट इज़ वेरी एवरेज काइंड ऑफ मूवी, डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो एवरेज, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटिफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स, बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी, द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन, आई फील डिसअपॉइंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी, गुड मूवी, ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति ऑल्सो, दिस मूवी हैज गुड सॉन्ग्स, गुड एक्ट्रेसेज and good storyline, also it could be better if he in the ending if the Shahrukh Khan and Kajal did for these brother and sister, I am just ignoring this movie for while when over pop up comments about this movie on Netflix, finally watchable this movie today, some of screen and scenes was really disappointing, reanually flashback scenes BTV but Kajal and Shahrukh Khan, I like the scenes between Varun and Kirti, Varun did his best with his cute expression, there was a scene Varun got to know about Shahrukh Khan that he is not his own brother, they hug each other, the scenes made of this good movie was good, one time watch a few year ago, not this movie on board Tata Sky Pad is the very good, I love this movie, I love this four bags actress, I like the idea of this film, I want to say this songs and bravo and Dilwale is nice movie, Rohit Shetty and team की मूवी रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस, द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट फैंटास्टी एंड गुड रिकमांडेड दिस थिंक ऑफ दिस मूवी वॉज ग्रेट बट सम कॉमेडी पार्ट्स जस्ट ड्रैग इन टू द फॉर नो रीजन शाहरुख डिलीवरी ए वेरी सस्पेंसफुल परफॉर्मेंस एंड काजल आउट डिड हिमसेल्फ ऑफ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोहित सेटी आई लव दिस परफेक्शन डेडिकेशन टूवर्ड्स ऑल कंटेंट वाट एवर इज अबाउट एक्शन कॉमेडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट स्टैंड्स एंड स्टूमैन दे गिव देयर बेस्ट एंड ब्लड टू मैक दिस मूवी सक्सेसफुल आई कैन गिव इन 100 स्टार्स ऑफ दिस मूवी आई लव दिट सो मच एंड हैव वॉचेबल इट मोरी दैन 12 टाइम्स एट द टाइम्स ऑफ राइटिंग this I am watching this movie only all my favorite stars are together what can be more great than it I love it so much Shahrukh and Kajol run time after my name is Khan and Varun and Kirti are cool too epic cool and romance the foursome in this best I love this movie and good hope these will good family movie there is no crazy storyline is flow it is cute comedic just a light film अमेजन मूवी द स्टोरी इज अवेसम दिस इज द इंटरेस्टिंग बिकॉज कीर्ति इज विद वरुण एलिया सिक्स द अनोदर ग्रेटिंग एज यूजफुल ऑफ दिस गुड मेगा चक्रवर्ती एंड काजुल ऑफ गुड लुकिंग ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग सॉरी ऑफ दिस गुड एब्सोल्युटली आई लाइक दिस फिल्म एंड गुड रियली एंड अमेजन मूवी इट वॉज ग्रेट आई कुड नॉट स्टॉप लंथिंग एंड क्राई ऑफ दिस सिंपल ओनली वी कैन थिंक अबाउट इपिक स्क्रिप्ट टोटली लव this op I just love this movie and the titanic of making every scenes perfect op this good acting the movie op this good think about very purely education and good excellent brilliant is movie my favorite today brilliant work by this and good I love this movie because Varun and Shahrukh and Kirti the story is amazing there is love story but with different twist I am sure how you guys will love this movie it is nice movie Shahrukh Kajol acting is best
एज ऑलवेज 4/5 बट वरुण धवन इज टोटली ओवर एक्टर लाइक सलमान खान विल नाइस मूवी शाहरुख खान वाज अवेसम वेरी नाइस मूवी एंड सो प्राइड ऑफ मिस्टर रोहित शेट्टी एंड टीम आई एम ब्लेस फॉर यू आर मेकिंग फॉर हिट मूवी एंड सो देन शाहरुख खान एवरेज मूवी प्रोस्ट गुड कास्ट डिलाइटफुल सॉन्ग्स आई कैचिंग एक्शन सॉन्ग्स ऑफ गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द फेवरेट मूवी वेरी क्लोज टू माई हार्ट विथ सच ए मेलोडियस म्यूजिक लव इट ए मस्ट वॉच मूवी स्टोरी इज अमेजिंग शाहरुख एंड काजल आर बैक गेट टूगेदर होप दिस जस्ट होप दिस फिल्म इज रोमांटिक एंड गुड थिंक अबाउट दिस होप एग्रेसिव टोटली लव दिस मूवी एंड शाहरुख काजल वरुण कीर्ति वॉच कास्ट अमेजिंग स्टोरी लवली एंडिंग वुड 100% रिकमांडेड टू वॉच इट फॉर रिग्रेट द करेक्ट ओप दिस प्ले ओप दिस आई हैव एवरी सीन मच ओप दिस फनिंग एंड गुड everything because of always make good cinema of this I have every seen this film is good the comedy was enjoyable and Shahrukh cope this totally in this movie this Varun Kirti of I watchable in twist and got same emotional as when you did first time Shahrukh is legend and Kajal I love it excellent movie everyone should watch it Shahrukh Kajal rocks nothing to say much if you have not this movie is awesome hats off to the director director helper and actress have been working hard over this production of this film dilwale movie very heart touching action is best shahrukh khan king of heart all song is very good it is very interesting and always some movie of this good very good kirti and kajal ma'am is looking too good I like so much must watch super hit movie of this very character watch this film and shahrukh khan together this is the best movie and dilwale dulhaniya le jayenge of this very and I love soundtrack and everything I listen to this soundtrack or that song that through an anti movie I keeping up this true of entry day haha it is very good movie kajal comeback fantastic varun and kirti is very good shahrukh khan is outstanding I think this movie is best I am biggest fan of shahrukh khan I like all movie of king so I am very interesting in this movie dilwale good hope this I love this very love story must watch this movie amazing acting the chemistry of shahrukh and kajal was beautiful very nice and funny movie my favorite movie it is my favorite of this good kirti ma'am kajal or varun dhawan want to part second of dilwale please of this very good movie this is super and addition very must for moment साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015 आई हैव द DVD ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट डज नॉट मी ऑफ दिस विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस फैंस बिफोर विथ सुपर हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एन अनकंडीशनल
दिस इज माई फेवरेट मूवी, आई लव दिस मूवी, इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल, वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग, ऑल्सो शाहरुख खान इट वॉज रियली ए वेरी नाइस मूवी, आई जस्ट लव इट, इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट, द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजन कीप इट अप, दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज, आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस, इट इज वेरी एवरेज काइंड ऑफ मूवी, डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो एवरेज, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटीफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स, बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी, द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन, आई फील डिसअपॉइंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी, गुड मूवी, ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति ऑल्सो, दिस मूवी हैज गुड सॉन्ग्स, गुड एक्ट्रेस, गुड एक्ट्रेसेज and good storyline, also it could be better if he in the ending if the Shahrukh Khan and Kajal did for these brother and sister, I am just ignoring this movie for while when over pop up comments about this movie on Netflix, finally watchable this movie today some off screen and scenes was really disappointing, reanually flashback scenes between but Kajal and Shahrukh Khan, I like the scenes between Varun and Kirti, Varun did his best with his cute expression, there was a scene Varun got to know about Shahrukh Khan that he is not his own brother, they hug each other, the scenes made of this good movie was good, one time watch a few year ago, not this movie on board Tata Sky Pad is the very good, I love this movie, I love this four bags actress, I like the idea of this film, I want to say this songs and bravo and Dilwale is nice movie, Rohit Shetty and team की मूवी रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस, द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर, बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट फैंटास्टी एंड गुड रिकमांडेड दिस थिंक ऑफ दिस मूवी वॉज ग्रेट बट सम कॉमेडी पार्ट्स जस्ट ड्रैग इन टू द फॉर नो रीजन, शाहरुख डिलीवरी ए वेरी सस्पेंसफुल परफॉर्मेंस एंड काजल आउट डिड हिमसेल्फ ऑफ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोहित शेट्टी, आई लव दिस परफेक्शन डेडिकेशन टूवर्ड्स ऑल कंटेंट वाट एवर इज अबाउट एक्शन कॉमेडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट स्टैंड्स एंड स्टूमैन, दे गिव देयर बेस्ट एंड ब्लड टू मैक दिस मूवी सक्सेसफुल, आई कैन गिव इन 100 स्टार्स ऑफ दिस मूवी, आई लव दिस सो मच एंड हैव वॉचेबल इट मोरी दैन 12 टाइम्स एट द टाइम्स ऑफ राइटिंग this I am watching this movie only all my favorite stars are together, what can be more great than it, I love it so much, Shahrukh and Kajal run time after my name is Khan and Varun and Kirti are cool too, epic cool and romance the foursome in this best, I love this movie and good hope this will good family movie, there is no crazy storyline is flow, it is cute comedic just a light film अमेजन मूवी, द स्टोरी इज अवेसम दिस इज द इंटरेस्टिंग बिकॉज कीर्ति इज विजित वरुण एलिया सिक्स द अनोदर ग्रेटिंग एज यूजफुल ऑफ दिस गुड मेगा चक्रवर्ती एंड काजुल ऑफ गुड लुकिंग ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग सॉरी ऑफ दिस गुड एब्सोल्युटली आई लाइक दिस फिल्म एंड गुड रियली एंड अमेजन मूवी इट वॉज ग्रेट आई कुड नॉट स्टॉप लंथिंग एंड क्राई ऑफ दिस सिंपल ओनली वी कैन थिंक अबाउट इपिक स्क्रिप्ट टोटली लव this op I just love this movie and the titanic of making every scenes perfect op this good acting the movie op this good think about very purely education and good excellent brilliant is movie my favorite today brilliant work by this and good I love this movie because Varun and Shahrukh and Kirti the story is amazing there is love story but with different twist I am sure you guys will love this movie it is nice movie Shahrukh Kajal acting is best
एज ऑलवेज 4/5 बट वरुण धवन इज टोटली ओवर एक्टर लाइक सलमान खान विल नाइस मूवी शाहरुख खान वाज अवेसम वेरी नाइस मूवी एंड सो प्राइड ऑफ मिस्टर रोहित शेट्टी एंड टीम आई एम ब्लेस फॉर यू आर मेकिंग फॉर हिट मूवी एंड सो देन शाहरुख खान एवरेज मूवी प्रोस्ट गुड कास्ट डिलाइटफुल सॉन्ग्स आई कैचिंग एक्शन सॉन्ग्स ऑफ गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द फेवरेट मूवी वेरी क्लोज टू माई हार्ट विथ सच ए मेलोडियस म्यूजिक लव इट ए मस्ट वॉच मूवी स्टोरी इज अमेजन शाहरुख एंड काजल आर बैक आई गेट टूगेदर होप दिस जस्ट ऑफ दिस फिल्म इज रोमांटिक एंड गुड थिंक अबाउट दिस ऑफ एग्रेसिव टोटली लव दिस मूवी एंड शाहरुख काजल वरुण कीर्ति वॉच कास्ट अमेजन स्टोरी लवली एंडिंग वुड 100% रिकमांडेड टू वॉच इट फॉर रिग्रेट द करेक्ट ऑफ दिस प्ले ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन मच ऑफ दिस फनिंग एंड गुड everything because of always make good cinema of this I have every seen this film is good the comedy was enjoyable and Shahrukh cope this totally in this movie this Varun Kirti of I watchable in twist and got same emotional as when you did first time Shahrukh is legend and Kajal I love it excellent movie everyone should watch it Shahrukh Kajal rocks nothing to say much if you have not this movie is awesome hats off to the director director helper and actress have been working hard over this production of this film dilwale movie very heart touching action is best shahrukh khan king of heart all song is very good it is very interesting and always some movie of this good very good kirti and kajal ma'am is looking too good I like so much must watch super hit movie of this very character watch this film and shahrukh khan together this is the best movie and dilwale dulhaniya le jayenge of this very and I love soundtrack and everything I listen to this soundtrack or that song that through an anti movie I keeping up this true of entry day haha it is very good movie kajal comeback fantastic varun and kirti is very good shahrukh khan is outstanding I think this movie is best I am biggest fan of shahrukh khan I like all movie of king so I am very interesting in this movie dilwale good hope this I love this very love story must watch this movie amazing acting the chemistry of shahrukh and kajal was beautiful very nice and funny movie my favorite movie it is my favorite hope this good kirti ma'am काजल ओ वरुण धवन वांट टू पार्ट सेकंड ओप दिल वाले प्लीज ओप दिस गुड वेरी गुड मूवी दिस इज सुपर एंड एडिसर वेरी मस्ट फॉर मूवमेंट साल 2015 में रिलीज हुई दिलवाले मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी शाहरुख खान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था दिलवाले मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी रोमांस और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि दिलवाले मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 38 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 38 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 71% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5 है और इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2015 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दिलवाले मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई लव दिस मूवी दिलवाले 2015 आई हैव द DVD ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट डज नॉट मी ऑफ दिस विथ हाई एक्सप्रेशन ऑफ श्री काजल ऑफ दिस फैन
फैंस बिफोर विथ सुपर हिट मूवी ऑफ एटर्नल जोड़ी आई फाउंड इट नॉट ऑफ दिस गुड बिकॉज एंड अनकंडीशनल दिस इज माई फेवरेट मूवी आई लव दिस मूवी इन दिस मूवी माई फेवरेट एक्टर वरुण धवन एंड शाहरुख खान रोल वेरी द स्क्रीन वेरी क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल एंड विथ वरुण धवन टोटली द मूवी वॉज अमेजिंग ऑल्सो शाहरुख खान इट वॉज रियली ए वेरी नाइस मूवी आई जस्ट लव इट इट हैड कॉमेडी एक्शन रोमांस ऑल इन इट द स्टोरी डायलॉग एक्शन एंड एक्टिंग स्पेशली सॉन्ग्स वेरी जस्ट अमेजन कीप इट अप दिलवाले इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी दैट आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड गुड म्यूजिक टूगेदर विथ द डांसेज आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉच मोरी ऑफ काजल एंड शाहरुख खान मूवी ऑफ दिस इट इज वेरी एवरेज काइंड ऑफ मूवी डायरेक्शन स्क्रिप्ट सिनेमाटोग्राफी स्क्रीन प्ले आर ऑल बिलो एवरेज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड ब्यूटीफुल लोकेशन विजुअल आर्ट्स एंड लवली सॉन्ग्स बजट इफ यू वेरी गुड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस एंड गुड डिलीवरी द कॉमेडी इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी फन आई फील डिसअपॉइंटेड फॉर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवी गुड मूवी ऑल द एक्टर डन गुड जॉब इन दिस मूवी एंड काजल कीर्ति ऑल्सो दिस मूवी हैज गुड सॉन्ग्स गुड एक्ट्रेसेज and good storyline also it could be better if he in the ending if the Shahrukh Khan and Kajal did for these brother and sister I am just ignoring this movie for while when over pop up comments about this movie on Netflix finally watchable this movie today some off screen and scenes was really disappointing reanually flashback scenes BTV but Kajal and Shahrukh Khan I like the scenes between Varun and Kirti Varun did his best with his cute expression there was a scene Varun got to know about Shahrukh Khan that he is not his own brother they hug each other the scenes made up this good movie was good one time watch a few year ago not this movie on board Tata Sky Pad is the very good I love this movie I love this four bags actress I like the idea of this film I want to say this songs and bravo and Dilwale is nice movie Rohit Shetty and team की मूवी रिलीज 18/12/2015 को रिलीज हुई थी और काजल शाहरुख खान दिस गुड परफॉर्मेंस द ओनली रीजन आई एम गिविंग फॉर टू बिकॉज ऑफ शाहरुख एंड काजल बिकॉज आई लव देयर केमिस्ट्री एंड सीइंग देम ऑन स्क्रीन टुगेदर बट अदर दे ऑफ डिड नॉट रियली लाइक दिस मूवी डिड नॉट Fantastic and good recommended this think of this movie was great but some comedy parts just drag into the for no reason Shahrukh delivery a very suspenseful performance and Kajal outdid himself of one of the best of Rohit Shetty I love this perfection dedication towards all content whatever is about action comedy and most important about stunts and stuntmen they gave their best and blood to make this movie successful I can give it 100 stars of this movie I love this so much and have watchable it more than 12 times at the times of writing this I am watching this movie only all my favorite stars are together what can be more great